नमस्कार, मैं आसिफ खान, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। मैं लेकर हाजिर हूँ हमारी खास पेशकश। वार्ड नंबर 22 की आजाद उम्मीदवार सुषमा खटाना के समर्थन में वार्ड की महिला आई, पुरुषों के हुजूम में घर घर जाकर जनसंपर्क किया, भारी भीड़ में हर तरफ उम्मीदवार के लिए नारे लगाई। वहीं लोगों ने बताया कि सुषमा खटाना वर्तमान में पार्षद है और हम इनके कार्य से संतुष्ट होकर आने वाले चुनाव में इन्हें विजयी बनाएंगे। जनता का प्यार है इसलिए मैं आ रही हूँ। जनता हमें चाह रहा है, जनता हमें चाह रही है इसलिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। सुषमा खटाना को, सुषमा खटाना उनको ही क्यों? उनको हमारे पहले काम किया उन्होंने, हमारे पिछले बहुत अच्छा काम करते हैं वो, बहुत अच्छा काम किया, जमीन से जुड़े हुए हैं उन्होंने, जो बहुत अच्छे काम किए इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं, संतुष्ट आप उनके काम से। आप क्या कहना चाहेंगे जी? हम ये कहना चाहेंगे सुषमा खटाना जी हमारी प्रिय नेता है और उन्होंने अच्छे काम किए हैं और आगे भी वो अच्छे काम करेंगे, हमसे उन्हीं से उम्मीद है, बाकी हमें किसी से उम्मीद नहीं। अच्छे काम लेडीज का ले लो यार, अच्छे काम किया उन्होंने जी, बहुत अच्छे काम किए और ऐसा होना ही चाहिए, इसलिए उनको याद किया जाता है, जो हर तरह तैयार हो, पुराने पुराने नेता हैं, 5 साल हमने देख लिया है, इसलिए उनको सुषमा को दोबारा फिर लाने की कोशिश। ऐसा नहीं, पिछले 5 साल में कोई ना कोई काम में कोई कमी रह गई, मतलब जनसंपर्क सही बनाया था, बिल्कुल इसीलिए ही उनके साथ है। सुषमा जी हमारे वार्ड में जब भी आवश्यकता हुई है उनकी, उन्होंने हमेशा मदद की है, हमें किसी भी तरह की ज़रूरत उन्होंने, वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि वो, मैं ही नहीं आप सबका भी सहयोग चाहिए होगा, सुषमा जी को जिताएं भारी बहुमत से। सुषमा खटाना क्यों, उन्हीं को क्यों? हमारी मांग पूरी करती है वो, हमारी मांग पूरी होती है आपकी, हर बार मांग पूरी करती है। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूंगी, हमारी हर मांग सुषमा जी पूरा करती हैं, वो हमारी पहली पार्षद हैं और उन्होंने हमारी हर मांग पूरी करी है, उन्होंने आधार कार्ड राशन कार्ड बनवाए हैं और हमेशा हमारे सुख दुख में, हमारी छोटी छोटी खुशियों में भी वो शामिल होती हैं, इसलिए हम उन्हें भारी से भारी वोट दे करके हमारी नेता बहुत ही मतलब मेहनती और ईमानदार है, वो हमारे साथ मिलके 5 सालों से जो काम कर रही है वो है, कोई भी नेता नहीं कर सकता, इसलिए हम उसी को वोट देना चाहते हैं और उसी को ही जिताना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ 5 साल से मिलकर के काम कर रही है और आगे भी करती रहेंगी, इसलिए हमारा वोट सुषमा जी को। जी हाँ, सुषमा जी को हम जो है 5 साल से जानते हैं, जानी परखी नेता है हमारी वो, इसलिए हम हर तरह से संतुष्ट हैं उनके लिए और हम अपना कीमती वोट देते हैं। सेक्टर की सफाई, नाली की सफाई, सेक्टर को अपने सदस्य घर के सदस्य की तरह मान के चलना, जो खूबियाँ एक पार्षद में होनी चाहिए वो सभी में है, मतलब दोबारा आप इनको भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। चुनावी दौर को देखते हुए वार्ड नंबर 27 की महिला ने वार्ड की समस्या को दिखाया, जिसमें उन्होंने बताया कि नगर परिषद से पहले तो ग्राम पंचायत ही अच्छी थी, जिससे हमारे वार्ड में सफाई तो होती थी, 5 साल बीत जाने के बाद हमारे घरों में नालियों का पानी जाना बंद नहीं हुआ। ये पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, झाड़ू की निकले ना, मेघ काल तो काल जमादार हूँ ना, पार्सल कर दे जो काम करेगा ना वो नहीं दे, वो देंगे वोट। समस्या ही हो रही घर में, देखो क्या हालत हो रही घर की, वोट तो लेने आता है और कोई नहीं संभाल करता गड़ियों की, खूब गए थे कोई नहीं कराता यहाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई, नहीं करेंगे तो काम करेगा उसी को वोट देंगे हम तो। सारी समस्या अच्छी कौन सी बात बताओ, देखो जैसे ये नाली रोड ये बनाई है सब टूटी फूटी पड़ी है, सीवर चालू नहीं कर रहे, रोड हर महीने 500 रुपये का टैंक खाली करवाना पड़ता है, लैट्रिन आने की जगह नहीं है, पानी अंदर घुसा है ना, नहाने की ना कपड़े धोने की जगह कुछ नहीं है, ये नालियों को समस्या सबसे पहले हल हो। ग्राम पंचायत बढ़िया थी, ग्राम पंचायत अच्छी थी, वो कोई दिक्कत नहीं थी, सब रोड साफ होती थी, जमादार रोड नाली साफ करता था, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, 22 साल हो गए मेरे को भिवाड़ी में। मैं कांग्रेस पार्टी को अपने वार्ड से भारी बहुमत से जन सहयोग से विजयी बनाऊंगा और कुछ और हमारा पैनल बनेगा और
भिवाड़ी का पूरा विकास, समग्र भिवाड़ी का विकास होगा मेरा ऐसा मानना है, और ऐसे कोशिश करेंगे समग्र भिवाड़ी का विकास हो, और अपने वार्ड का तो विकास सभी करते ही हैं, वो तो हम करेंगे, इसमें तो कोई दे रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 27 से बीएसपी प्रत्याशी स्नेहा तंवर से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं पूरे वार्ड में गंदगी नहीं रखने दूंगी, मैं वार्ड को भयमुक्त बनाऊंगी। भारी बहुमत से विजयी होकर जनता की सेवा और सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। हर आदमी के विकास के लिए एक सुनियोजित मकसद है, पूरे मोहल्ले गली नालियों की साफ सफाई करवाना। समाज सेवा करने में भला क्या हिचकिचाना या डरना, सभी को अपना अपना सकारात्मक योगदान देना होता है अपने देश प्रदेश की तरक्की के लिए। भिवाड़ी नगर परिषद में 45 वार्ड बनाए गए हैं, यानी कि भिवाड़ी को 45 टुकड़ों में बांटा गया है। विकास के मरफत करीब 2008 में भिवाड़ी पंचायत को समाप्त कर नगर पालिका का गठन किया गया। भिवाड़ी का वार्ड नंबर 22 आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। तीमारदारों का कहना है कि समस्याएं आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, कहीं पानी की किल्लत तो कहीं बिजली की समस्या तो कहीं पार्षद साहब की अनदेखी, जिससे वार्डवासी बेहद खफा है। वही आरोप लग रहा है कि पार्षद महोदय तो वार्ड में आते ही नहीं, पार्षद इस सेक्टर के अंदर आने को ही तैयार नहीं है। पाँच साल में पांच बार नहीं आया, पांच साल में शायद वो पांच बार भी नहीं आया होगा, वो आर सेक्टर के किसी भी मेंबर से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वार्ड में उत्पन्न समस्याओं को जरा आप भी देखें और सुने क्या कहना है स्थानीय निवासियों का। मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत ही विकास करेंगी, साफ सफाई पानी सभी चीज़ों की सुचारू व्यवस्था रखेंगे, उम्मीद रखती है इसी, उम्मीद से वोट दूंगी। और जो हमारे वार्ड की सुरक्षा हो, क्योंकि भिवाड़ी का माहौल ऐसी है, हम चाहते हैं मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे सुरक्षा सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है वो ठीक रहे। समस्या यही है हमारे, अभी नाली नहीं हो पाई, अभी ये तुम्हारा ये गड्ढा पड़ा हुआ है, नाली पानी व्यवस्था नहीं है, पानी की लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की जी लाइट की व्यवस्था नहीं, पार्क के अंदर पार्क की कोई सुविधा नहीं, खेलने कूदने की कोई व्यवस्था नहीं, सारी वहाँ पे सब कूड़ा कचरा सारा पड़ा रहता है। नाली है, इस नाली के ऊपर अभी इतनी लड़ाई हुई थी, मारकाट भी हो गई थी, और 3-4-5 हज़ार रुपये देखे इस गली वालों ने, तब ये लाइन खुलवाई है। आप इसमें पार्षद ने कुछ नहीं किया, हमारे युवा सेक्टर के वासियों ने चंदा इकट्ठा करके गेट लगवाए, बाकी यूआईटी की तरफ से या पार्षदों की तरफ से कोई काम नहीं। वोटिंग इसी आधार पर होगी, ये देखो साइड में दिखाओ थोड़ा, ये नाली पे बिल्कुल जाम हो पड़ा है, ये हमने खुद ने पैसे देके नाली बनवाई है, ठीक है, जो हमारे सेक्टर में नाली वगैरह रोड लाइट के काम करवाएगा उसी को हम समर्थन करेंगे, उसी को वोट। ये अभी आपके सामने इन्होंने बताया है कि जैसे कि जनधन योजना जो चली थी ग्रामीण की, और जो यहाँ पे खाता खोला गया है, ये वोटिंग लिस्ट को देख के या पानी की नाली की समस्या जितनी भी रही हैं वो ऐसे के जैसे ही बनी हुई हैं, उनमें कोई विकास नहीं हुआ है। और जो पहले पार्षद रह चुके हैं जी, वो पांच सेक्टर के थे, पांच सेक्टर आप जाके देख सकते हो, पांच सेक्टर का विकास भी जाके देख सकते हो, और आठ सेक्टर को भी जाके देख सकते हो, आप पार्क की हालत भी जाके देख सकते हो। अब जनता इतनी समझदार हो चली है कि अब उसे कोई बरगलाने की कोशिश ना करे। कहते हैं जो जहां का होता है पहले वहीं का विकास करता है, इसीलिए वार्ड से एक महिला प्रत्याशी मैदान में आते हुए अब मर्दानी हो गई है, क्योंकि हमने देख लिया है कि किसी भी सेक्टर का या कोई भी सदस्य आके यहाँ पे चुनाव लड़ता है या कुछ भी करता है, तो वो कोई भी इंसान हो जिस सेक्टर का जो जहाँ पे रहता है वो वहीं का विकास करेगा, दूसरे सेक्टर का विकास वो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अपने सेक्टर कि प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम खुद अपने सेक्टर का विकास करने के लिए खड़े हुए हैं, पब्लिक की सुनने के लिए खड़े हुए हैं। योजना का, बाबा साहब योजना का सारा सारे सेक्टरों का खाता खुल गया, हमारे सेक्टर में अभी तक है ही नहीं, और सेक्टर पाँच में हमारा पार्षद खोल रहा था खाता, उस समय बैंक वाला बैठा हुआ था और मैं केवल अकेली गई थी सेक्टर आठ से, तो उसने मतलब जो कमेटी के लोग थे दो लोग मैं जानती हूँ उनको अच्छी तरह से, लेकिन नाम नहीं बताऊँगी, उन लोगों ने इशारा कर दिया कि वो सेक्टर आठ से आई हुई, उसने के लिए वो जाते ही मुझे कह दिया, बोला मैडम जी आपका आठ का आठ में खुलेगा, तो ये तो कोई जब पार्षद तो तू है हमारा, आठ का आठ में क्यों खुलेगा। लोगों का कहना है कि हर समय दुर्घटना का डर बना रहता है, कहीं बिजली के तार खुले हैं तो कहीं नालियां खुली पड़ी हैं। साल में यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ विकास का काम, पार्क भी देख लो, पार्क की हालत इतनी खराब है, ना तो पानी की व्यवस्था है पार्क में, बच्चों को पानी पीने का भी है, पेड़ पौधों को देने का भी है, और ना ही बच्चों खेलने के लिए घास है कुछ है, लाइट की व्यवस्था बहुत खराब है, सारी लाइट टूटी पड़ी है और तार भी निकले पड़े, कोई करंट आया कुछ आया, दूसरा अपनी जो सेक्टर वालों ने लाइट लगवा दी है, वैसे
उससे लाइट होती है। नहीं ये वार्ड की देख देखिए, ये तो नाली नहीं है जी। ये कि यहाँ गाय पाल रखी है जो नाली को बंद कर रखा है, तो नाली मतलब सफाई होनी चाहिए और पार्क की सफाई होनी चाहिए, जो यहाँ गंदगी वो उठवाए और पार्क में घास लगवा कर पानी वानी। पार्षद जो कभी आती ही नहीं तो मिलने क्या जाए, घर जाएंगे क्या। टिकट का शोर थम चुका है और प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में जाकर जनसंपर्क में जुट गए हैं, मगर बड़ी जो बात देखने को सामने आई तो वो यह है कि इस बार चुनावी खुमार इस कदर चढ़ा कि जो वर्षों से पार्टी में आस्था रखे हुए थे, टिकट ना मिलने के कारण आज़ाद ही मैदान में उतर गए। देखना यह होगा कि जीत आखिर किसकी होगी। पेश एक रिपोर्ट। मजबूरियां किसी की भी हो सकती हैं। जब पार्टी की मजबूरी टिकट काटने की हो सकती है तो शायद मजबूरी उम्मीदवार की भी हो सकती है। अगर ऐसा वास्तव में ही हो तो इसे बागी न कहेंगे तो क्या कहेंगे, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं बागियों के सीने में भी दिल होता है और उनकी आस्था पार्टियों से जुड़ी होती है, और बागी भी इंसान ही होते हैं। पार्टियों को विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर नए टिकटार्थियों का टिकट काट दिया जाए तो कोई बात नहीं होती, परंतु जो वर्तमान में पार्षद हो और उनका टिकट इस कदर दरकिनार कर दिया जाए तो ठेस लगती है उन वोटरों को जिन्होंने अपना अमूल्य वोट देकर उसे गत चुनावों में सफल बनाया था। ऐसे में भंग होता है पार्टी मोह। आइए आपको रूबरू कराते हैं कुछ ऐसे प्रत्याशियों से। पार्टी को क्या मजबूरियां रही होंगी, ऐसी कुछ मेरी मजबूरियां हैं, जिस तरह पार्टी कुछ मजबूरियां मेरे टिकट काटने में रही होंगी, तो इसी तरह की कुछ मजबूरियां मेरी भी हैं कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है, वरना हम पार्टी के बहुत वफादार हैं शुरू से ही। मैं बीजेपी को लाइक करता हूँ, बट टिकट ना मिलने के कारण मैंने निर्दलीय फॉर्म भरे एक नंबर वार्ड से। करेंगे तो सीधी सी बात है, रिजल्ट तो मिलेगा ही, वो भगवान के ऊपर है कि जीत होती हार होती। बात यहीं तक सीमित नहीं है, बागियों ने भाजपा पर संगीन आरोप लगाए हैं और समीकरण को पूरी तरह से बिगाड़ने की बात की है। मैंने वार्ड नंबर 8 से भरा। कौन सी पार्टी से? निर्दलीय। निर्दलीय, तो क्या लगता है किस तरह से आपने निर्दलीय, आप टिकट का कोई अप्लाई किया था किसी को? किया था। किस पार्टी को? हमने तो उसको किया था, बीजेपी को। तो क्या कारण रहा जो कि बीजेपी ने आपका? बीजेपी में कारण तो क्या बताऊँ, दादागिरी है। और क्या कारण है इसका? दादागिरी मनमान जी है, अपनी इच्छा से बिक गई, बिक चुकी है। इस हिसाब से ये उसको सौदाबाजी हो गई, किस तरह की व्यवस्था इस तरह से बैठी। आप पहले से कौन बीजेपी का कार्यकर्ता है? हाँ, जन्म से तो बीजेपी का ही है। तो ऐसा क्या कमी होगी कि जो आपको आज इस बार टिकट कटी और कैसा कमी? अब मैंने आपको बता दिया तो दादागिरी है आज इस कलयुग में, कोई किसी को तो है ही नहीं। इतना बड़ा पेड़ होगा बीजेपी का, छाया हम कोई दिखाई नहीं देता। बात इस बात की है, रक्षक की भक्त को हो जाए उसका कोई इलाज थोड़ी है। तो जनता ने आपको ओब्लेस किया, आप जीत के आए, तो जैसे वोट बनेगा बीजेपी का बना या कांग्रेस का बना, बीजेपी का बना तो आप बीजेपी को समर्थन देंगे? नहीं देंगे बिल्कुल, बीजेपी वोट बिगड़वाएंगे। निर्दलीय या कांग्रेस को समर्थन देंगे? निर्दलीय कांग्रेस में, बीजेपी से मांगा। अच्छा, क्या कारण रहा जो आप 36 हम देख दे, मैंने बीजेपी से 93 में चुनाव लड़ चुका हूँ, सिंबल का अधिकार में ही था, पैसे में टिकट बिक रही है मेरे को नहीं, मैं निर्दलीय लड़ रहा, विकास करवाया विकास करूँगा। हाँ, अन्याय किया है जो मैं 93 से उसका सिंबल उठा हूँ, झंडा उठा के घूम रहा हूँ, और अब मेरे को टिकट नहीं दिया, उसके सिंबल में मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, विरोध तो करूँगा ही। अब देखना ये रहेगा कि होगा क्या। भाजपा में एक चेहरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, जो पक्षपात की राजनीति को नहीं मानते। अगर उन्हीं की पार्टी में ऐसा हो तो उसे क्या कहेंगे, जरा आप ही सुनिए क्या कहते हैं पूर्व भाजपाई जिनका टिकट काट दिया गया, आप भी सुनिए। निर्दलीय हूँ जी मैं, पिछली बार जब कांग्रेस की लहर थी, जब बीजेपी को हम जिता के लाए थे उस टाइम, और इस टाइम महेंद्र सिंह भड़ाना जी ने अपने संबंधी बेटी के ससुर हैं उनके, उनको टिकट दिए जगत सिंह जी दायमा साहब, तो हम उनके सामने निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपका पार्टी ने आपको टिकट किस कारण से नहीं दिया, क्या आप रिश्तेदारी से संतुष्ट थे, क्या था? नहीं, रिश्तेदारी की वजह से, एक हमारे से कोई पार्टी में किसी का कोई विरोध नहीं रहा, लेकिन उसने मंत्री जी ने एक टिकट मांग ली, मेरे रिश्तेदार को चाहिए, वो दे दी। तो आप क्या लगता है क्या पार्टी से बागी होंगे? हाँ, बागी होंगे जी बिल्कुल, पार्टी हमसे बागी, हम पार्टी से बागी। कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जी हाँ,
इस प्रकार की सोच रखने वाली महिलाओं की आज भी कोई हमारे समाज में कमी नहीं है। निकाय चुनावों की जंग में एक महिला प्रत्याशी ऐसी भी सामने आई जिसे तमाम पुरुष उम्मीदवारों में से कोई भी लायक नजर नहीं आया, तो वह जनता की आवाज बुलंद करने के लिए पर्चा भरकर मैदान में आ गई। वार्ड में कोई ऐसा कैंडिडेट नजर नहीं आया जो वार्ड के लिए कुछ कर सके, इसलिए हम खड़े। तो आपने क्या सोचा कि जो वार्ड में आप जनता ने आपको अप्लाई करा, तो क्या कहेंगे, क्या करेंगे आप? जो जनता कहेगी उन्हीं के अनुसार चलेंगे। हर जगह विकास, सफाई, पक्की नालियां, बिजली पानी जैसी मूलभूत समस्याएं छाई हुई है, मगर एक वार्ड ऐसा भी है जहां पर इन सभी समस्याओं की कोई भी आज तक कोई शिकायत ही नहीं है। यहां सिर्फ मान और सम्मान की लड़ाई है, और इस मान और सम्मान को काबिज रखने के लिए भाजपा ने टिकट दिया है वर्तमान नगर पालिका अध्यक्षपति संदीप दायमा को। हमारे वार्ड नंबर 1 में कोई विकास का मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सोसाइटी है, ना वहाँ लाइट की ज़रूरत है, ना वहाँ पानी की, ना नाली की, ना रोड की, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ सब चीज़ें वो मेंटेनेंस देते हैं लोग, तो प्राइवेट सोसाइटी है, तो उसमें स्वाभाविक है कि उसमें किसी तो विकास की तो बात है नहीं, वहाँ लोगों के मान और सम्मान की बात है, और जो उन लोगों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ सकता है, जो उनकी मान सम्मान की रक्षा कर सकता है, उसी आदमी को वो लोग जिताएंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को प्रत्याशी बनाया, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कहीं ना कहीं तमाम चुनावों की सुगबुगाहट में इसे भी नहीं नकारा जा सकता कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम जो चुनावों में पार्टियों के सर चढ़कर बोल रही है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस, सफाई को अहमियत दे रहे हैं। अब इसे क्या समझा जाए? सेक्टर की साफ सफाई के लिए हमें उठाना है, बिल्कुल ये मुद्दा बहुत अच्छे से अच्छा सोसाइटी की तरह बना सके, बहुत ही विकास करेंगे, साफ सफाई, पानी, सभी चीज़ों की सुचारू व्यवस्था रखेंगे, सफाई हो, स्वच्छता हो, और जो हमारे वार्ड की वो सुरक्षा हो, क्योंकि बेवाड़ी का माहौल ऐसी है, हम चाहते हैं मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे सुरक्षा सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है वो ठीक रहे। अभी तक के पूरे चुनाव घटनाक्रम में एक पहलू ऐसा भी सामने आया, एक और तीर्थार्थियों की जद्दोजहर लगी रही तो दूसरी ओर भाजपा को एक और हिंदुस्तान के सियासत में सबसे लंबा स्वाद चखने वाली पार्टी कांग्रेस को कई वार्डों में हाथ तक थामने वाला नहीं मिला, जिसे देखकर पार्टियों को विचार करने की जरूरत है। आज की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।